नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वाईफाई स्टडी जेई पार्ट ऑफ अनअकैडमी पे। तो आज मैं आपके लिए लाया हूँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को याद करने का शॉर्ट ट्रिक। बहुत बार पिछले 10 सालों में देखेगा तो सीबीएसई में कम से कम 5 से 6 बार क्वेश्चन आ चुका है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पे। तो अगर आप आसानी से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को याद कर लेते हैं तो ये 6-7 क्वेश्चन है बहुत आसानी से, 6-7 बार जो क्वेश्चन पूछे हैं तो 1-2 क्वेश्चन हमेशा आते हैं सीबीएसई में, तो बहुत आसानी से आपसे बन जाएंगे। जेई मेंस के लिए और नीट के लिए भी बहुत काम का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का सीरीज याद रखना। तो मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूं जिससे आपको पूरा का पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का सीरीज याद हो जाएगा, ठीक है? बहुत ही 4 से 5 सेकंड में याद हो जाएगा। चलिए तो देखते हैं क्या कौन-कौन सा होता है। पहले तो एक बात आप समझ लीजिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बहुत सारे वेव, उसमें बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं। कौन-कौन से कंपोनेंट होते हैं देखिए कौन-कौन से कंपोनेंट होते हैं। देखिए सबसे पहले जो आता है वो आपका कौन सा वेव होता है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले होता है रेडियो वेव, फिर होता है माइक्रोवेव, फिर होता है इंफ्रारेड, फिर होता है विजिबल, फिर होता है अल्ट्रावायलेट, फिर होता है एक्सरे, फिर होता है गामा रे। अगर हम इधर से इधर जाते हैं तो मेरी जो फ्रीक्वेंसी है वो इंक्रीज करती है, और अगर इधर से इधर जाते हैं तो जो मेरा वेवलेंथ है वो डिक्रीज करता है। इस बात को याद रखिएगा। तो हम कैसे याद रखेंगे कि कौन सा वेव पहले है और कौन सा वेव बाद में है? तो याद करने का तरीका देखिए, यहां पे मैंने लिखा है रेडियो मिर्ची आई लव यू जिरॉक्स गन। रेडियो मतलब रेडियो वेव, मिर्ची मतलब M for मिर्ची, M for माइक्रोवेव, I मतलब इंफ्रारेड, लव मतलब लाइट, लव L for लव, L for लाइट, लव मतलब लाइट, U मतलब UV मतलब अल्ट्रावायलेट, जिरॉक्स, जिरॉक्स किससे स्टार्ट होता है? X से, और ये हो गया तुम्हारा एक्सरे, गन, गन स्टार्ट फ्रॉम G मतलब हो गया क्या? गामा रे। तो वही लिखेंगे यहां पे, क्या याद करेंगे? रेडियो मिर्ची आई लव यू और जिरॉक्स और गन। रेडियो मिर्ची आई लव यू जिरॉक्स गन, रेडियो मिर्ची आई लव यू जिरॉक्स गन, रेडियो फॉर रेडियो वेव, मिर्ची फॉर माइक्रोवेव, आई फॉर इंफ्रारेड, एल फॉर लव, लव मतलब एल फॉर लाइट, U for तुम्हारा क्या हो गया? U for अल्ट्रावायलेट, जिरॉक्स मतलब एक्सरे, एंड गन मतलब क्या हो गया? गामा रे। तो आप इस तरह से याद कर सकते हैं कि कौन सा। बहुत लोगों को दिक्कत होता है, अब आपसे अगर कोई पूछे 4 रे दे दे, बोले कि इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी में अरेंज कीजिए, तो आपको याद है कि इधर से इधर फ्रीक्वेंसी बढ़ती है। तो आप एक बार रेडियो मिर्ची आई लव यू जिरॉक्स गन करेंगे तो आप आराम से, अगर क्वेश्चन पूछा जाए आपसे कि इंक्रीजिंग वे ऑफ फ्रीक्वेंसी में अरेंज कीजिए या इंक्रीजिंग वे ऑफ वेवलेंथ में अरेंज कीजिए, तो आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है? तो चलिए हम आगे देखते हैं। इसी में आगे क्या है, देखिए डिफरेंट टाइप के वेव है। देखो इधर वाले का वेवलेंथ ज्यादा है और धीरे धीरे जाके वेवलेंथ क्या हो गया? कम हो चुका है। वेवलेंथ मतलब, वेवलेंथ क्या होता है? इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को हम लोग वेवलेंथ बोलते हैं। तो वेवलेंथ उधर जाके क्या हो गया? कम हो गया। और फ्रीक्वेंसी यहां पे देखो कम है और यहां पे देखोगे तो ज्यादा हो गई, तो फ्रीक्वेंसी क्या हो गई? यहां पे ज्यादा हो चुकी है। ये देखो रेडियो वेव है, किस लिए काम में आता है? तो रेडियो ब्रॉडकास्ट और टेलीविजन में काम में आता है। माइक्रोवेव कुकिंग में काम में आता है, ठीक है? इंफ्रारेड, इंफ्रारेड क्या होता है? इंफ्रारेड आपको रेडिएटर्स में काम आता है, सिग्नल्स में काम आता है इंफ्रारेड। विजिबल लाइट मतलब क्या होगा? जिसके कारण हम लोग देख सकते हैं। अल्ट्रावायलेट क्या होता है? अल्ट्रावायलेट एब्जॉर्ब, स्किन एब्जॉर्ब कर लेता है, फ्लोरोसेंट ट्यूब में काम आता है। फिर एक्सरे से हम लोग, ये मेडिकल पर्पस में काम आता है। और गामा रे जो होता है कैंसर के ट्रीटमेंट में काम आता है। तो ये बात हम लोग आसानी से इस फिगर के थ्रू हम याद रख सकते हैं। दिमाग में बैठा लो कि रेडियो क्या है और माइक्रो क्या है, एक्सरे क्या है, ठीक है? चलिए हम आगे देखते हैं। आगे मैंने क्या किया है, जो भी आपके वेव है इसके मैंने वेवलेंथ को यहां पर लिख दिया। किसको लिख दिया है? वेवलेंथ को यहां पे लिख दिया है, वेवलेंथ को लिख दिया। ऊपर से नीचे वेवलेंथ क्या होगा? ऊपर से नीचे अगर हम जाएंगे तो वेवलेंथ डिक्रीज करता है, वेवलेंथ डिक्रीज करता है और फ्रीक्वेंसी क्या होता है? इंक्रीज करता है, ठीक है? तो सबसे पहले क्या करो, लाइट को याद रखो, लाइट को याद रखो, वहां से मूव करेंगे। लाइट का कितना होता है? 400 से 700। लाइट का कितना? 400 से 700 नैनोमीटर। तो लाइट का एकदम दिमाग में बैठा लीजिए, 400 से 700। तो ऊपर से नीचे घट रहा है तो यहां पर लिख दिया 700 और यहां पर क्या लिख दिया? 400। अब इसको घटाना है तो 400 से सीधे 1 पे आ जाना है, फिर 1 से 10^-3 और ये लेस देन 10^-3। कितना आसान हो गया, 700 और 400 यहां पे लिख दिए, 400 से 1 पे, 1 से 10^-3 पे और यहां पे लेस देन। अब फिर देखो जब ऊपर जाएंगे तो जहां पे 1 nm था यहां पे 1 से लेके 700, फिर 0.1 से लेके 1 और फिर ये ग्रेटर देन क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो ये हो गया याद करने का बहुत आसान तरीका। और अगर फ्रीक्वेंसी निकालना है तो आपको पता है कि वेलोसिटी वेव की कितनी वेलोसिटी होती है? सी होती है। सी इक्वल टू कितना होता है? सी इक्वल टू लैम्डा इंटू एफ होता है। तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू सी बाई क्या हो जाएगा बच्चों? लैम्डा हो जाएगा। सी बाई क्या हो जाएगा बच्चों? लैम्डा हो जाएगा, ठीक है? तो अगर सी की वैल्यू कितनी, 3 × 10^8 मीटर पर सेकेंड पुट करके वहां से हम सबकी फ्रीक्वेंसी
निकाल सकते हैं, तो ये बात याद रखिएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट है आपको कौन सा वेव पहले आता है, कौन सा वेव बाद में आता है, इसके लिए रेडियो मिर्ची आई लव यू जीरोक्स गन, ठीक है, रेडियो मिर्ची आई लव यू जीरोक्स गन, यहां से हम लोग याद रख सकते हैं। तो ऐसे ऐसे शॉर्ट ट्रिक जो बोर्ड्स में काम आए, नीट के एग्जाम में काम आए, जेई मेंस में काम आए, इससे 10 क्वेश्चन पूछा जा चुका है, मतलब जो मैंने आपको आज पीपीटी में बताया है जो 3-4 है, इससे 10 साल में 6-7 बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, तो आप यहां से बहुत आसानी से बना सकते हैं। ऐसे ऐसे छोटे मोटे ट्रिक्स लेके मैं आपको बताता रहूंगा, आता रहूंगा। चलिए तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।